दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 4 जून को सरकार बनाने की बात कर रही थी, लेकिन वे गलत साबित हुए और जनता ने 4 सीटों पर कांग्रेस को भेजा और वे पूरे बहुमत से 78 सीटों पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि 3.5 साल कांग्रेस सरकार जनता के कार्य करेगी और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कांग्रेस सरकार कार्य कर रही है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी 4 जून को सरकार बनाने की बात कर रही थी और बार बार हम कह रहे थे कि हमारी सरकार की पूरी मेजोरिटी के लिए एक सीट की जरूरत है, लेकिन जनता ने 4 सीटों पर हमें चुनकर भेजा और हम पूरी मेजोरिटी से 38 पर पहुंच गए हैं। अब 3.5 साल हमने लोगों के कार्य करने हैं, निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने कुछ फैसले किए हैं और दिन प्रतिदिन हमारी सरकार और हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण फैसले ले रहे हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बिके हुए प्रत्याशी थे उनको टिकट दिया तो जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने में 80% तक सफल हुए। तीन उपचुनावों की घोषणा कर दी है और अब 3 उपचुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी भी जल्दी आपके सामने आएंगे और आपको पता लग जाएगा। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।